अब बै उस सलम में अगर मान लो कि अगर आधा पेमेंट दिया जाए, आधा पेमेंट दिया जाए, गुड्स तो बाद में आने वाले हैं, तो गुड्स बाद में आने वाले हैं, इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर यहाँ ये हो जाएगा कि पोजेशन भी नहीं आया और वो भी आधा क्या हो गया, कर्ज हो गया, आधा कर्ज है। तो जो आधा हिस्सा कर्ज है उसमें काली बिल काली हो रहा है, मतलब कर्जे के बदले में कर्जा हो रहा है। इसी वजह से ये ट्रांजैक्शन के अंदर पूरा पेमेंट कंप्लीट पहले साथ में देना, ये इसकी कंडीशन है, ये एक लाजिम बात है। मान लीजिए कि जैसे जो मैन्युफैक्चरर है, जो बना रहा है, अब उसे 4 लाख रुपए दे देंगे, वो 4 लाख लेकर कल चला गया, फिर बाद में ढूंढ रहे मिल ही नहीं रहा है, ये भी इन्वेस्टर को फिक्र हो सकती है कि ये क्या करूं मैं। तो इसके ताल्लुक से जो कर्जे में हम सेफ्टी करते हैं, कर्जे में क्या क्या सेफ्टीज करते हैं कि जब कर्ज किसी को देते हैं तो क्या क्या सेफ्टी कर सकते हैं? नंबर वन, उसको अग्रीमेंट बना लो, उसको लिख लो, 2 विटनेसेस बना लो। उसके अंदर अगर आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड अग्रीमेंट बनाना है, ऐसे अग्रीमेंट्स जो स्टैम्प पेपर पे है, रेवेन्यू स्टैम्प पे साइन ले रहे हैं, ताकि जो कोर्ट में दलील बन सके, तो भी कोई शरीयत ने रोका नहीं है। क्या आप वैसे टाइप के अग्रीमेंट वगैरह डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो जो सिक्योर हो, ताकि आप कल अगर रिकवरी करना है तो रिकवरी के कुछ प्रोसीजर्स जो कंट्री के लॉ के तहत है वो कर सकते हैं, ताकि आदमी अपने हक को हासिल करे। एक चीज ये है, लिख सकते हैं। सेकेंड चीज और क्या है, गारंटर ले सकते हैं। गारंटर के भाई गारंटर लाओ, आप बना रहे हो लेकिन पहचान का कोई आदमी ले आओ जो आपकी गारंटी दे दे। थर्ड ऑप्शन, कोई डिपॉजिट के तौर पर कोई चीज ले सकते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर कोई चीज रख दो, कि उस सिक्योरिटी डिपॉजिट के जरिए अगर आप कल 4 लाख आपने कल डिलीवरी दिए ही नहीं, 2 साल का वादा कर रहे हो, 1 साल का वादा कर रहे हो, 1 साल में अगर आपने डिलीवरी नहीं दिए तो मैं अपना पैसा कहाँ से रिकवर करूँ? तो पैसे रिकवर करने के लिए कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ रखो, कुछ सोना आपके पास है या कोई चीज़ है जो डिपॉजिट के तौर पर रख सकते हो, कोई आपकी सिक्योर कुछ पेपर्स है, आपके कारखाने के पेपर है, कुछ है, भाई इतना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरी सेफ्टी का कुछ करो, अगर आदमी चाहता है तो, लाजिम नहीं। लेकिन नहीं चाहता है, अगर उसको ऑलरेडी भरोसा है, अगर उसको लगता है कि हाँ सेफ डील है, अगर उसको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नहीं भी करता है तो कोई लाजिम नहीं। लेकिन अगर चाहता है तो ये सब गुंजाइशें, ये सब परमिशंस है, ताकि सेफली काम हो सके, बिजनेस आगे बढ़ सके। चलिए, तो ये हमने इसके ताल्लुक से देखा। अब सोचो, एक सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ये बताओ इन्हें कप्स कब मिलने वाले हैं हमारे डील के मुताबिक? 1 साल बाद। ये कप्स इन्होंने कितने में खरीदे? समझो कोई प्राइस 30 में खरीदे, हो गया डील, उनको मिल गया बेटर। अब वो पर कप पे 20 रुपए कमाने वाले हैं एक्स्ट्रा, 20 रुपए यानी 1,000 कप्स पे सीधा 2 लाख रुपए वहीं कमाने वाले हैं 4 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। हो सकता है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस में हमेशा बरकत ज्यादा होती है। तो हम ये देखें कि ये शख्स इन्वेस्ट कर रहा है और जो जो प्रॉफिट वो कमाने वाला है। आगे बात यह है कि अब इन्हें मालूम है मेरे 1,000 कप्स आ रहे हैं, क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि वो किसी डीलर से कहे 1,000 में से मैं इतने कप तुम्हें बेच रहा हूं, 1 साल बाद डिलीवरी दूंगा, और वो दूसरे को कहे कि तुम इतने कप ले लो, 1 साल बाद मैं डिलीवरी दूंगा, पहले से पूरी सेटिंग करके उनसे पैसे भी ले ले, हाँ, या पैसे ना ले, कैसा है ये, आप बताइए? नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? मैन्युफैक्चर नहीं है, डीलर है, और क्या है, पोजेशन नहीं है। जो पोजेशन का जो नॉर्मल कायदा है कि जो तुम्हारे पास पोजेशन नहीं है, वो पोजेशन लिए बगैर बेचोगे तो उसमें से जो नफा आएगा वो हलाल नहीं होता है, वो चीज उस पर अप्लाई होगी, यानी पोजेशन उस पर होना लाजिम है। हाँ हाँ, वादा कर सकता है कि मैं देने वाला हूँ इंशाल्लाह, हाँ, तो वादा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वादा अखलाकी तौर पर लाजिम है, लेकिन शरीयत के तौर पर लीगली उसके ऊपर कोई चीज लाजिम नहीं हो गई। हाँ, वादा कर सकता है कि इंशाल्लाह आएगा ना तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस तुम्हें ही देने वाला हूँ इंशाल्लाह, हाँ, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन खुद वो उसे बेच नहीं सकता, ना एडवांस ले सकता है, ना पेमेंट ले सकता है, वो बेच नहीं सकता है जब तक वो पोजेशन उसके पास ना आए, तो उससे वो आने वाला प्रॉफिट उसके लिए हलाल नहीं होगा जब तक उसके पास पोजेशन नहीं हुआ। हाँ, तो ये प्योर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने देख लिया। इस मसले में एक इख्तिलाफ मैं आपको बता चुका हूँ, कौन सा इख्तिलाफ, कि क्या इस शख्स के लिए, हाँ, जो मैन्युफैक्चरर है, क्या उसके लिए पोजेशन होना लाजिम है या नहीं लाजिम है, ये एक इख्तिलाफ है। इसके बारे में हमने वाज़े हदीस बुखारी की देख ली कि सहाबा उस बारे में पूछते ही नहीं थे जो उन्होंने खुद बताया, और कोई चीज़ ये लाजिम नहीं थी जो हमने देख चुके। इस मसले पे एक और इख्तलाफ है, इख्तलाफ क्या है सुनिए ज़रा। इख्तलाफ ये है कि इनके पास जो 4 लाख रुपए आए, 4 लाख आ गए ना इनके पास मिसाल के तौर पर, हालांकि अगर 30 रुपीज़ का प्राइस देखेंगे तो 4 लाख नहीं हो, 3 लाख हो रहा है, तो चलो क्वान्टिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो 3 लाख आए या 4 लाख आए, जो भी प्राइस तय हुआ,
ये जो पैसे इनके पास आए, क्या ये पैसे वो यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए तो ये बेचारी पूरी हजामत कर रहे हैं, ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, अपने भाव को कम क्यों कर रहे हैं, इतना अग्रीमेंट क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यूज करने के लिए तो कर रहे हैं ना, ये एक हलाल अल्टरनेटिव है। अब इस बारे में एक फनी सा इख्तलाफ है जिसके अंदर कुछ उलमा ने ये व्यू कायम किया कि ये पैसा आ गया ना तो वो पैसे को यूज़ नहीं कर सकते हैं वो, जब तक डिलीवरी ना दे दें, यानी कि पूरे ट्रांजैक्शन की जान ही निकल जाएगी। हाँ, इतना अच्छा हलाल अल्टरनेटिव है, इसके अंदर इस मसले के इख्तलाफ की वजह से पूरी जान निकल जाएगी। हम इसमें देखते हैं कि इमाम जुफर, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, वो कहते हैं कि यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इमाम अबू हनीफा के बारे में निस्बत की गई है कि वो कहते हैं कि वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, और इमाम शाफी कहते हैं कि इस्तेमाल कर सकते हैं पैसे, और इमाम मालिक के बारे में एक रिवायत से आया कि वो कहते हैं यूज़ नहीं कर सकते हैं, हालांकि हमें इस बात की कोई दलील नहीं मिलती। इस बारे में इमाम इब्न कुदामा ने जवाब दिया है कि इस बारे में इत्तेफाक है कि यूज़ करने के मुतालिक मना करने की कोई दलील नहीं मौजूद है, कि मना करने के मुतालिक कोई दलील नहीं मौजूद है, और जब तक दलील नहीं मौजूद है तो तिजारत के अंदर कैसा चाहते हो वैसे तिजारत करो, क्या दलील के मुताबिक हम कहेंगे कि तुम्हारे पास पेमेंट आ गया है कोई भी चीज़ का तुम यूज़ नहीं कर सकते? तो यकीनन यूज़ कर सकते हैं, और ये इस ट्रांजैक्शन की ब्यूटी। दो मसलों में इख्तलाफ है। अब मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या मसला है ना कि जब कोई मसले में वजाहत ना हो और ये लोगों के अंदर जो उसके ताल्लुक से क्लैरिटी ना हो, तो हम देख रहे हैं कि आज लोग हराम चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें चाहिए कि जो स्पिरिट सारे इमामों ने सिखाया, सारे स्कॉलर्स ने सिखाया कि इल्म हासिल करो, सही बात सीखो, और सब ने कोशिश की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा से जोड़े, वही स्पिरिट के तहत आज ज़रूरत यह है कि ये जो सही हलाल अल्टरनेटिव जो कुरान और सुन्नत में मौजूद है, उन्हें ये सब क्वेश्चन मार्क से क्लियर करके लोगों के सामने क्लियर फॉर्मेट में रखने की ज़रूरत है, ताकि लोग हलाल अल्टरनेटिव इस्तेमाल करें, हलाल तरीके से बिज़नेस करें, और वो बिज़नेस के ज़रिए वो ख़ुद भी कमाएँ, उनकी दुनिया आखिरत दोनों का खैर हो। देखिए, सोचो इसके अंदर क्या हो गया कि जो शख्स ख़रीद रहा है ये प्रोडक्ट, वो भी कुछ रिस्क बर्दाश्त कर रहा है। 100% रिस्क उसका नहीं है, 100% जो रिस्क है वो मैन्युफैक्चरर का नहीं है। अब ये प्रोडक्ट अगले साल तक आएगा, हो सकता है इसका प्राइस बढ़ जाएगा, हो सकता है ये चीज़ 50 रुपये की नहीं उस ज़माने में, एक साल बाद, दो साल बाद ये 60 रुपये की हो गई है। ये भी हो सकता है कि कुछ डिमांड कम होने की वजह से 45 रुपीज़ की हो गई है। रिस्क तो है ही, और रिस्क के साथ ही बिज़नेस होता है। बिज़नेस जो होता है वो बिना रिस्क के नहीं होता है, सूद होता है जिसमें रिस्क नहीं है, सूद है जिसके अंदर आना ही आना है, गारंटी है, लेकिन बिज़नेस के अंदर रिस्क वगैरह तो लगा हुआ है। तो ये एक हलाल ऑप्शन है जो हमने देखा, और ये आज के दिन के लिए हमने जो फर्स्ट हलाल ऑप्शन देखा वो है बैअ सलम। मेरे ब्रदर्स इन इस्लाम, अगर आपने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया, आप खुद के भी लेन देन में इसे, इंशाल्लाह अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक रखते हैं या कोई काम फ्यूचर में करने वाले हैं, इस कंसेप्ट को बहुत ब्यूटीफुली यूज़ कर सकते हैं, और फिनेंस कितना आपको फिनेंस चाहिए अच्छे से रेज कर सकते हैं। जो इन्वेस्टर है उसका भी फायदा है, जो काम करने वाला है उसका भी फायदा है, उसका भी रिस्क शेयर हो रहा है, कुछ रिस्क शेयर हो रहा है जब वो प्रोडक्ट दे रहा है। वही चीज़ सूद के अंदर पूरा के पूरा रिस्क उसके ऊपर होता है, लेकिन जब वो कोई इन्वेस्टर इस तरह का मिलता है तो वो रिस्क उसके साथ शेयर होके हो रहा है, और उसके लिए भी बर्डन लाइट हो रहा है, उसको क्या टेंशन है, सिर्फ इतना टेंशन है कि 1000 कप बना करके देना है उसे, बाद में वो ट्रांजैक्शन में कम कमाएगा या हो सकता है नहीं कमाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत गवाएगा भी, पॉसिबिलिटी हो, जो डील वो बेस्ट दे दे, लेकिन इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसके पास वो कैपिटल हलाल तरीके से आएगा, वो कैपिटल को वो यूज़ करके एक साल में बिजनेस में कमाएगा, और वो कमाने की उसके पास गुंजाइश होगी। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये एक इसका पोटेंशियल प्लान है, और हम ये ऑप्शन खुद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इंशाल्लाह दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। आपकी नोट्स में इसके ताल्लुक से गाइडलाइंस लिखी हुई है, वो गाइडेंस हम किसी को भी ऑफर कर सकते हैं ताकि वो भी हलाल ऑप्शन ले और हराम चीज़ से बच जाए इंशाल्लाह। हम देखते हैं कि कई सारी इस्लामिक बैंक्स ने सूडान में बैअ सलम को बहुत बड़े तौर पर अप्लाई किया, जहाँ अरब इन्वेस्टर्स वगैरह आ करके उन्होंने अपनी रकमें लगाई, और वहाँ के लोकल फार्मर्स ने जो खेती की तो खेती को बैअ सलम के प्रिंसिपल के तहत। इस्लामिक बैंक्स का काम इसके अंदर सिर्फ इतना था कि वो लोग फैसिलिटेटर्स थे, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है और वो जो पास ऑन कर रहे हैं उसके लिए वो पर्टिकुलर सर्विस चार्जेस लेते थे, अपना जो एफर्ट डाल रहे हैं दोनों को मिलाने में, यानी कि एजेंट जैसा काम था वो। इस्लामिक बैंक्स का काम सिर्फ एजेंसी की हद तक था कि इन्वेस्टर आया, इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया। अब इन्वेस्टर नहीं कर सकता है कि ये जो काम करने वाला है, ये जो मैन्युफैक्चरर है, इसके डॉक्यूमेंट्स क्या है, इसकी सिक्योरिटी क्या है, इसका ये क्या है, वो सब सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कौन करेगा, वो इस्लामिक बैंक करेगी। उसके लिए वो अपना एजेंसी कमीशन लेंगे, जो उनके लिए भी हलाल है और जायज़ है। तो ये चीज़ के जरिए सूडान में ये बहुत सक्सेसफुली अप्लाई किया गया, और बहुत ही अच्छा इकोनॉमी को पुश मिला। इस्लामिक बैंकिंग का जो प्रिंसिपल उन्होंने यूज़ किया वो यही प्रिंसिपल है बैअ सलम का। तो हम देखते हैं इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं,
कितने सारे ऐसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, उनके पास आइडियाज है, प्लान्स है, स्कीम्स है, पैसा नहीं है। तो पैसा हम जब कहते हैं सूद हराम है, तो हलाल अल्टरनेटिव उनके सामने अगर रखा है तो वो कर सकते हैं, कितना अच्छा काम कर सकते हैं, कितना बिजनेस बढ़ सकता है, कितने सारे लोग हैं जो अपने बिजनेसेस के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, फ्यूचर में उनके पास खुद का कैपिटल हो सकता है जिसके जरिए वो और सारे काम कर सकते हैं। तो ये एक फर्स्ट हमने हलाल ऑप्शन देखा। अगला हलाल ऑप्शन हमने अब तक पिछले सेशंस में 6 देख चुके थे, ये एक 7वां हलाल अल्टरनेटिव था, अब हम 8वां हलाल अल्टरनेटिव देख रहे हैं। और ये 8वां हलाल अल्टरनेटिव है एक ऐसा सोल्यूशन जिसके जरिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाता है। जब कभी कहीं पर गाड़ी अटकती है किसी भी ट्रांजैक्शन में, कोई रूट समझ में नहीं आती है, तो ये 8वीं रूट जो मैं बताने वाला हूँ, ये रूट वहाँ पर बहुत जगहों पर फिट हो जाती है। और ये चीज़ है एजेंसी कमीशन। एजेंसी कमीशन यानी कि एजेंट बनना। एजेंट बनने के मुतालिक जिसे हम कहते हैं वकाला, अरबिक में, इस्लामिक शरिया में वकाला, और आपको कई हदीस की किताबों में किताबुल वकाला मिलेगी। तो वकील किसे कहते हैं? वकील एजेंट को कहते हैं इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में, वकील यानी एजेंट एक्चुअल में। तो वकील के मुतालिक हम देखते हैं कुरान और हदीस में कई सारे दलायल है कि एक शख्स जब किसी और को अपनी तरफ से डिप्यूट करता है कि तुम मेरी तरफ से जाओ ये काम करो, तो वो उसका वकील हो गया। अब वकील अनपेड भी हो सकता है और पेड भी हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि बुखारी की हदीस है कि उरवा रदलाओं को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये फलां 2 दिरहम लो और जाओ और एक मेंढी खरीद लो। अब उन्होंने जाकर 2 दिरहम से 2 मेंढियां खरीद ली। 2 मेंढी खरीद करके उन्होंने एक मेंढी 2 दिरहम में बेच भी दी, मतलब एक खरीदने कहा था लेकिन 2 खरीदी, 2 खरीद करके एक मेंढी 2 दिरहम में बेच भी दी, वापस लेकर आए 1 मेंढी और 2 दिरहम, 1 मेंढी और 2 दिरहम लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत दे। वो कहते हैं उसके बाद मैं जो भी काम करता मुझे सब चीज़ में बरकत मिलती थी। तो हम ये देखते हैं कि ये क्या मिसाल है, एजेंट की मिसाल है। उरवा रदियल्लाहु अन्हु को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरफ से कोई काम करने के लिए भेजा तो वो एजेंट हो गए। अब वो एजेंट जा करके एक की जगह 2 खरीद रहे हैं, फलां चीज़ को बेच रहे हैं, हालांकि खरीदने कहा गया था, बेच रहे हैं। पता क्या चला कि एजेंट अगर कुछ एक्स्ट्रा काम करे, जो भी प्लस या माइनस हो जाए उसके अंदर, उसके लिए जो भेजने वाला है वही जिम्मेदार है। इसी वजह से जो एडिशनल बेनिफिट मिला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लिया। ये नहीं कहा कि ये मेरे लिए हलाल नहीं है, ये तुमने कमा कर लाया, कमा के लाया था एक्चुअली, भेजा गया था 2 दिरहम के साथ, लेके आए 2 दिरहम प्लस 1 मेंढी, यानी बेनिफिट में वो मेंढी थी प्रॉफिट। तो जो कमा के आए थे वो लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पता चला एजेंट के जो एक्शंस है उसकी वजह से भेजने वाला जिम्मेदार है, बेनिफिट हुआ तो उसका, लॉस हुआ तो उसका, अनलेस सिवाय तब जब टर्म स्पेसिफाइड हो। टर्म स्पेसिफाइड जैसे कई केसेस में इस तरह से स्पेसिफाई होती है कि ये चीज़ के अंदर मैं तुम्हें भेज रहा हूँ फला फला, जो भी कमीशन होगा, जो भी इतने के ऊपर होगा वो तुम्हारा। अब कमीशन के अंदर अलग अलग तरह से कमीशन हो सकता है, एजेंट का कमीशन ना भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी आप लोग बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एजेंट को क्या दे सकते हैं, एजेंट को क्या दे सकते हैं, परसेंटेज दे सकते हैं, ये एक और सेकेंड पॉसिबिलिटी। और बताइए, सोच रहा था शायद ये कोई नहीं कहेगा, सैलरी पे हो सकता है। हकीकत में जो स्टाफ होता है ना, जो दुकानदार के पास जो स्टाफ है जो बेच रहा है, खरीद फरोख कर रहा है, वो हकीकत में एजेंट होता है, वकील होता है इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में, वो उसका एजेंट है। लेकिन ये अलग बात है कि वो पेड एजेंट है जो वहाँ पे काम कर रहा है, जो मुलाजिम की शक्ल में है, तो एम्प्लॉय की शक्ल में है, लेकिन ये हकीकत में एजेंसी का कंसेप्ट है। मान लीजिए कि कोई एजेंट है जिसे भेज रहे हैं कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी दूंगा, जो भी तुमने डीलिंग्स की है वो सबके अंदर मेरा बेनिफिट हो या मेरा लॉस हो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। थर्ड पॉसिबिलिटी हमने देख ली है। चौथी पॉसिबिलिटी है 50 रुपीज़ में चाहिए ये प्रोडक्ट, अब तुमने जितने में खरीदे तुम यहाँ 50 में दे देना, जो भी तुमने कमाया वो तुम्हारा, एक पॉसिबिलिटी। सेकंड, मुझे बेचना है ये 50 में, उससे ऊपर में जितने भी बेचे तुम्हारा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इन तमाम चीज़ों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही हदीस काफ़ी है, सही बुखारी किताबुल इजारा की हदीस है, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल मुस्लिमूना इंदा शुरूतिहिम, मुसलमान अपनी शर्तों पर होते हैं, जो शर्त पर अग्री किए वो शर्त के मुताबिक दोनों के दोनों को काम करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। एक बहुत कॉमन शक्ल आप लोगों ने बताई नहीं अब तक, सैलरी विथ परसेंटेज, सैलरी विथ कमीशन, परसेंटेज सेल में, सेल ठीक है, प्रॉफिट में नहीं, सेल परसेंटेज ऑफ द सेल, टर्नओवर का परसेंटेज, ठीक है। और बताइए, बहुत कॉमन शक्ल आप लोगों ने अभी तक नहीं बताया, 50-50 टारगेट, प्रॉफिट का 50-50,
ठीक है, वो तो बात हो गई, फर्स्ट ही शायद वही बात आई थी। और बताइए कितनी कॉमन सी शक्ल, जब एजेंट लव्स होता है तो एजेंट लव्स के यहाँ केस में आपके ध्यान में कौन आता है, मतलब जिससे जिसका प्रोडक्ट है उससे भी और जिसको दे रहा है, मतलब सामने क्या एजेंट दोनों तरफ से ले सकता है नहीं ले सकता है, क्या वो एक एजेंट है दोनों तरफ से काम कर रहा है, इधर से भी काम कर रहा है उधर से भी काम कर रहा है। मतलब मिसाल के तौर पर एक दुकानदार को कहता है कि मैं तुम्हारे पास कस्टमर लेके आता हूँ, तुम मुझे सेल का कितना परसेंटेज दोगे, वो कहता है सेल का मैं 1% दूंगा 2% दूंगा। जो कॉमन शक्ल है वो है परसेंटेज, सेल का परसेंटेज। हाँ, ये कॉमन शक्ल है जो हम देखते हैं कि हाउसिंग इंडस्ट्री में भी जो ब्रोकर्स होते हैं जो एजेंट्स होते हैं, ये कॉमन बात है कि वो लोग जो घर परचेज कराए सेल कराए तो उसके अंदर वो एक परसेंटेज लेते हैं, 1%, 2% लमसम। हाँ, तो एक तरफ उसने दुकानदार को कहा मैं कस्टमर लेके आ रहा हूँ मैं तुमसे इतना परसेंटेज लूँगा, दूसरी तरफ वो कस्टमर को कहता है मैं तुम्हारी शॉपिंग सही जगह से करा दूंगा, मैं तुम्हें सही सप्लायर्स के पास लेके जाऊँगा, लेकिन मैं तुमसे लेने वाला हूँ 1%, 2%, जो भी लमसम जो भी चीज़। तो वो दोनों तरफ से ले सकता है, हाँ ले सकता है, लेकिन चीटिंग नहीं करेगा, वो धोखादेही नहीं करेगा, क्योंकि मुसलमान जो होते हैं वो धोखादेही का काम नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही बुखारी की हदीस है, मन गशना फलैसा मिन्ना, जो हमारे साथ धोखादेही का काम करेगा हम में से नहीं है। और क्या पॉसिबिलिटी है बताइए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ओनर ने अगर कहा कि ये चीज़ को 50 में बेच देना, हमारा कॉस्ट प्राइस 40 है 50 में बेचना, अब ब्रोकर ने जाकर 60 में बेच दिया, जो 10 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा पर कप, 10 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा, अगर 1000 कप बेचा तो मतलब 10,000 रुपये वहाँ पर मार्जिन है, तो वो 10,000 रुपये किसके है, ओनर के है या एजेंट के है? कौन कहता है ओनर के है, कौन कहता है एजेंट के है? ओनर के हाथ उठा, ओनर वाले, ओनर ओनर वाले, कितने लोग ओनर के लिए हाथ उठा रहे हैं? ओनर ओनर के लिए हाथ उठाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और कौन लोग कह रहे हैं एजेंट के हैं? चलिए, तो जो लोग कहते हैं एजेंट का है मैं उन्हें पहले बात करूंगा। जी दीजिए। इसलिए कि वो तय हो चुका है ना इतने में बेचना बोल के, बाकी जो ऊपर का जो मार्जिन प्रोडक्ट है। हाँ, ओनर ने कहा था कि 50 में बेचना है, उसने आगे 60 में बेच दिया। हाँ, तो 60 में बेचा तो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा हुआ वो ओनर के है एजेंट के? आप कहते हैं कि ओनर ने क्योंकि कहा था 50 में बेचना तो 50 रुपये देगा ओनर को, 10 रुपये उसकी जेब में डालेगा। ओके, और कोई बात? यही बात कहना चाह रहे हैं? और ये बात गलत है। दलील उर्वा रज़ियल्लाहु वाली हदीस ही दलील है कि उर्वा रज़ियल्लाहु ने प्रॉफिट किया तो प्रॉफिट ये नहीं कहा ये मेरा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया, तो पता चला एजेंट के काम की वजह से जो भी बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ उसके लिए उसको भेजने वाले का ही हुआ। वो रूल ये है, अल वकील फी हुक्मिल मुवक्किल, जो एजेंट होता है वो भेजने वाले के ही हुक्म में होता है, तो प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ उसका जिम्मेदार ओनर ही है। लेकिन अनलेस ओनर ने स्पेसिफाई किया कि देखो ऊपर का जो भी प्रॉफिट हुआ वो तुम जिम्मेदार हो, ले लेना तुम, अगर उसने कह दिया है, कंडीशन है क्लियरली, तो ये उसके ऊपर का 10 रुपये उसके लिए हलाल मिले। तो जैसा कई बार होता है कि आदमी, कई बार ऐसा होता है कि एजेंट्स जो होते हैं वो कुछ काम कर लेते हैं जिससे उनको नफ़ा हो जाता है, अब वो नफ़ा हकीकत में किसका होता है? ओनर का होता है, अनलेस ओनर ने स्पेसिफाई किया। मिसाल के तौर पर होटल में एक वेटर है, वेटर काम कर रहे हैं, सर्व करते हैं कस्टमर्स को, कस्टमर खुश होकर उनको टिप देते हैं, अब वो टिप क्या है? एडिशनल अर्निंग है। लेकिन अगर ये बात ओनर ने स्पेसिफाई किया, देखो मैं इतना सैलरी दूंगा बाकी जो टिप मिलेंगे वो तुम्हारे, तो वो हो गए एजेंट के। तो ये जनरली यही रूल है कि जब वो क्लियरली स्पेसिफाइड है, एडिशनल कोई बेनिफिट आ गया तो वो बेनिफिट किसका है? ओनर का है। हम देखते हैं कि हदीस मौजूद है जिसके अंदर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को जब ज़कात कलेक्टर बनाकर भेजा तो ज़कात कलेक्शन करने के बाद वो उस चीज़ को लेकर आया और आ करके कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ज़कात का ये माल आया और ये मुझे उन्होंने दिया, वहाँ वालों ने ये गिफ्ट मुझे दिया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ जाकर अपने घर पर बैठ कर देखो कि वो गिफ्ट देने आते हैं या नहीं आते हैं। तो वो गिफ्ट दिए तो क्यों दिए? वो इस वजह से दिए कि ये गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फ़िक्स होकर गए थे, तो यानी वो काम के रिलेटेड ही था मामला वो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया और इस चीज़ के ताल्लुक से सख्त वार्निंग भी हमें मिलती है। तो हम देखते हैं जैसे मिसाल के तौर पर कोई एजेंट है, कभी कुछ एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिलता है दरमियान में, जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स होटल में काम कर रहा है और कस्टमर्स है, टूरिस्ट है, अब टूरिस्ट कार्स है बाहर वेटिंग में है, अब टूरिस्ट कार्स चाहती है कि उनको कोई टूरिस्ट मिले,
तो ये शख्स उनको बिजनेस दे रहा है, जो होटल का मैनेजर है, होटल में जो काउंटर पर है, वो उन्हें बिजनेस दे रहा है कि देखो ये कस्टमर को तुम लेकर जाओ, कितना कमीशन दोगे। तो वो जो कमीशन दे रहे हैं, वो कमीशन लेना जायज़ है ना जायज़ है? जायज़ है, कमीशन जो जायज़ है। लेकिन वो चीज़ अनलेस उन्होंने अपने ओनर से कंडीशन नहीं लिए कि जो भी आएगा देखो मैं वो ले रहा हूँ, वो मैं रखने वाला हूँ, तो वो हलाल होगा उनके लिए। नहीं तो वो चीज़ उनके ओनर का है जिसकी तरफ से वो वहाँ बैठे हैं। उसी तरह मिसाल के तौर पर कभी कभार एक आदमी मार्केटिंग में जब जाता है, तो मार्केटिंग में जब जाता है तो कस्टमर के पास जब पहुँच रहा है, कस्टमर कह रहा है देखो इस चीज़ का मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। किस चीज़ का कमीशन दे रहा है? कभी कभार कस्टमर्स के अपने इंटरेस्ट होते हैं और शुरुआत थोड़े हदीये से गिफ्ट से होती है, बाद में जाकर कुछ डिमांड करने लगते हैं। शुरू शुरू में डिमांड कई बार नहीं होता है, शुरू में सिर्फ गिफ्ट्स आते हैं, बाद में जाकर डिमांड्स आने लगते हैं। तो इस चीज़ का रास्ता कैसे बंद कर दिया गया है? क्योंकि जो भी बेनिफिट वो करेगा वो सब के सब चीज़ ओनर की, अनलेस उसने ओनर से बात कर लिया, और जब बात कर लिया तो ओनर की नज़र में वो चीज़ होगी, और जब ओनर की नज़र में वो चीज़ है तो फिर उसके अंदर क्या होगा मामला? उसके अंदर धोखा और चीटिंग का मामला नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। तो हमने ये चीज़ देखे एजेंसी के मुतालिक। इससे रिलेटेड चलिए एक सवाल, मान लीजिए कि कोई शख्स है अब्दुल्ला आबिद, हाँ, और आप हैं तौकीर। अब्दुल्ला भाई को ये है इंडिया में और ये है फॉरेन में। अब्दुल्ला भाई को तौकीर भाई के पास या तौकीर भाई को अब्दुल्ला भाई के पास पैसे भेजने हैं। आपको फॉरेन में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद पैसे भेजने हैं अब्दुल्ला भाई के पास, रेमिटेंस, पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। अब पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आप तो वहाँ काम कर रहे हैं, तो हमारे सुफियान वहाँ है, सुफियान भाई को ये कहते हैं कि देखो मेरी तरफ से ये पैसे लो, तुम वहाँ पे पहुँचा दो इंडिया में मेरे अब्दुल्ला भाई के पास, उनके पास पहुँचा दो। अब सुफियान भाई कहते हैं कि देखो मैं काम करूँगा तो जाहिर सी बात है मुझे इसमें कुछ कमीशन, कुछ मेहनत मैं करूँगा, पहुँचाऊँगा, हाँ, तो मुझे कुछ ना कुछ कमीशन तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो वो अपना एक कमीशन डिमांड करते हैं उसमें, करेक्ट? तो वो कमीशन सही होगा देना या गलत होगा? सिर्फ खर्चा, तो जैसे मान लीजिए उनके खर्चा जितना हुआ, उनका जो जो एक्सपेंस हुआ वही देना चाहिए, उनको कुछ कमाने का हक नहीं है इसमें, सोशल सर्विस उनकी तरफ से होनी चाहिए। हाँ, उसमें 100 रुपए में जाहिर सी बात है उनका खर्चा क्या है, उनका मार्जिन क्या है, कुछ ना कुछ मार्जिन तो होगा ही, वो सोशल सर्विस तो कर नहीं रहे है ना। तो यहाँ पे सही बात यह है इस बारे में, आप मनी ट्रांसफ़र की जितनी सर्विसेज है उसके ताल्लुक से उलमा का फतवा मौजूद है कि वो जायज़ है। उसके अंदर जो पैसे वो चार्ज करते हैं, अपने एक्सपेंसेस जो चार्ज करते हैं, जो भी एक्सपेंस हो या रियल हो, जो भी एजेंसी, वो एजेंट की हुक्म में है, दे आर लाइक एजेंट, वो एजेंट की तरह है, और वो जो पैसे पहुँचा रहे हैं, वो पैसे पहुँचाने का जो चार्ज ले रहे हैं, इसके अंदर सूद नहीं आ रहा है, ये जो चार्ज ले रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने यहाँ से 10,000 भेजे और कमीशन इन्होंने 100 रुपये दिए कि ट्रांसफ़र के चार्जेस में 100 रुपये दे रहा हूँ, और वहाँ पे मिले 10,000, तो यहाँ पे 10,100 है, यहाँ पे 10,000 है, बज़ाहिरन लग रहा है पैसे इक्वल फॉर इक्वल होना चाहिए, बराबर का बराबर होना चाहिए, लेकिन ये जो 100 रुपये ले रहे हैं वो अपने काम और जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं वो सर्विस का चार्ज है, तो एजेंसी कमीशन हुआ ये, और एजेंसी कमीशन इसके अंदर हलाल है, जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है।